हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया प्रभु। आज सुबह के समय में हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। तूने हमें एक मौका दिया प्रभु जी कि हम तेरे चरणों में आकर तेरी आराधना करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो, प्रशंसा हो प्रभु जी। आज सुबह के समय में प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो जाए प्रभु जी। तेरा नाम प्रभु जी सारी दुनिया में, सारी जातियों में, सारे देशों में प्रभु जी, सारी प्रजाओं में, ओ प्रभु जी तेरा नाम ऊंचा हो जाए। हालेलुया 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 प्रभु जी। संतों में तू अति पवित्र है, संतों के बीच में तू महान है प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। जो मनुष्य के लिए असंभव है उसको संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। संतों में अति पवित्र प्रभु जी। दर्म देव
ब्राह्मण ये हालेलुया स्तुति हो प्रशंसा प्रभु तेरी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, आप हमारा आनंद है प्रभु जी, आप हमारी ताकत है प्रभु जी। आपने हमें वादा किया, संसार में आपको तकलीफ है, संसार में आपको मुसीबत है, लेकिन आप हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीता है करके प्रभु तूने हमें वादा किया है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, तो हमारे साथ है प्रभु जी। अगर प्रभु आप हमारे साथ है प्रभु जी, हमारे सामने कौन है प्रभु जी? आपका वचन कहता है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु, आपके द्वारा आपका सामर्थ्य से प्रभु हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो हमारा बल प्रभु जी, तो हमारी ताकत है प्रभु जी। ओ मेरा सहारा है।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया बनाने वाले प्रभु जी तेरी जय हो प्रभु जी। तेरे कहने से दुनिया बन गई प्रभु जी, तेरे कहने से आंधी थम गई प्रभु जी। परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी
जय सदा होने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, तेरे समान कोई नहीं प्रभु जी। प्रभु सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, अपने आप को तेरे पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, यह बहुमूल्य अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि उसकी महिमा करें, स्तुति के गीतों को गाएं। हमारा परमेश्वर हमारा शत्रु को सामने युद्ध कर हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। जो हमारे हथियार हैं वो प्रभु की ताकत है, ये संसार के हथियार नहीं है। शत्रु के गढ़ों को गिराने के लिए प्रभु में वो सामर्थ्य है। आए मिलकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस्राएल का परमेश्वर
इसराइल के स्तोत्र पर विराजमान प्रभु है, जो आज हमारे स्तुति के सिंहासन में विराजमान होता है। जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वो हमारे स्तुति रूपी बलिदान को स्वीकार करते हैं, वो उसमें विराजमान होता है। जहाँ प्रभु की महिमा है, वहाँ आश्चर्य कर्म है। सारा भय यीशु के नाम में दूर होता है। प्रभु हमारे साथ आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है, जो कल आज और युगानुयुग है। आए धन्यवाद कार्पण प्रभु के आगे चढ़ाए, मिलकर हम प्रभु की आराधना करें आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति कर अर्पण को उसके सामने हम चढ़ाए। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया, सारी बातों से प्रभु तुझे धन्यवाद देते। हालेलुया, नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। प्रभु तू है मुक्ति का दाता, यीशु तू है, क्रूस पर चढ़ा, जीवन को दिया। कितना महान है प्रभु तेरा प्यार, कितना महान है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु। जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है, जीवन दाता प्रभु तो है, मुक्ति दाता यीशु तो है। क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया, क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया। इतना महान प्रभु तेरा यह प्रेम, धन्यवाद दे लो प्रभु, धन्यवाद दे लो प्रभु, प्रभु।
दाता प्रभु तू क्रूस पर गया, प्रभु तू ने अपना बलिदान दिया। कितना महान प्रभु तेरा प्रेम, प्रभु तेरे उपकारों को कभी ना भूलेंगे। पिता परमेश्वर तू ही महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन्द यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन्द यीशु की आराधना। दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, पवित्र से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन्द यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन्द यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, स्तुति प्रशंसा, जीवन दाता की आराधना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन्द यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन्द यीशु की आराधना, खुदावन्द यीशु की आराधना। ओ हालेलुया, मेरे मसीहा की, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, सारे दिल से, संपूर्ण हृदय से, पूरे बल से प्रभु की आराधना। हालेलुया, रब हालेलुया, थैंक यू जीसस, आशीष का स्रोत प्रभु तू है। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, 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 Hallelujah. प्रेम को हम याद करते हैं, तेरा प्रेम जो हमें बदलता है, हमें बचाता है प्रभु। प्रभु
तेरे हाथों में हम समर्पित हो गए हैं। तू हमारी अगुवाई कर, मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम आमीन। मसीह में प्रिय भाई बहन बच्चों, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह आपको मिले। आज हम मनन करने जा रहे हैं पुराने नियम की एक किताब नहमिया की किताब से। हम कुछ बातों को हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो परमेश्वर के अपने दास को एक उचित समय पर तैयार करता है, उसको कड़ा करता है, उसको इस्तेमाल करता है। इसराइली लोग जब बंधन में चले गए थे बाबिलोन देश के अंदर, जैसा यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया था, उसके मुताबिक वो लोग 70 साल के लिए बंधन में बाबिलोन में चला गए हैं। वो लोग उसके बाद वो लोग परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर उनके ऊपर दया दिखाकर उनको वापस अपना निज देश में वापस लौटाया है। जब वो लोग वापस आ रहे थे, एक ही पास से सब लोग नहीं आए, धीरे धीरे आए। हम देख सकते हैं पहले 516 BC में जरबाबेल के साथ एक झुंड आए थे, वो लोग आकर परमेश्वर के मंदिर को निर्माण पुनर्निर्माण किए हैं। उसके बाद 458 में दूसरा एक झुंड निकल पड़ा है, एज्रा नाम की एक प्रभु का दास है, एक बाइबल टीचर है, बाइबल का अध्ययन करने वाले हैं। उनके नेतृत्व में दूसरे झुंड वापस आया था। उसके बाद हम 445 BC में हम नहमिया को देख रहे हैं। समय में अर्थशास्त्र राजा राज्य कर रहे थे बाबिलोन देश के ऊपर, सारे देशों को ऊपर। उनके राज्य में जब नहमिया बाबिलोन में रहते थे, उस समय में परमेश्वर की आत्मा नहमिया के साथ बातें किया है, उसको उनके लिए जो सेवकाई रखा था उस सेवकाई के लिए उसको परमेश्वर अगुवाई किया। तो उसका मेन मुद्दा था कि यरूशलेम के शहर बना को वापस बनाना है, क्योंकि उनको सुनने में आया वो तो अच्छी तरह रहता था अपने राजमहल शुशन नामक राजगद्दी में, वो अच्छी तरह एक अच्छे एक पद में राजा को द्राक्ष रस पिलाने वाला के काम करता रहा। उनके लिए कोई ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो अपने स्वार्थीपन में रहा होता तो आराम से अपने जिंदगी वहाँ पर काट सकते थे। लेकिन आज हम नहमिया के जीवन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखना है, क्योंकि ऐसे साधारण व्यक्ति बन करके अपना जीवन को उसने नहीं गवाया है। तो परमेश्वर का बुलावा उसके जीवन में उसने पूरा किया है, वही आज हम देखना चाहते हैं। जो भी भाई बहन बच्चे आपको परमेश्वर बुलाए हैं, लेकिन आपके पास एक चुनौती रहता है, और स्वार्थीपन में अपने जो सुख विलास में आराम की जिंदगी में रहना तो भी रह सकते हैं, नहीं तो परमेश्वर का बुलावट को आप महत्वपूर्ण जानकर उसके लिए आप समर्पण कर सकते हैं। दोनों की 11-24 तक मूसा की कहानी को जिन्होंने 11 अध्याय में लिखने वाले लिखते हैं, उसमें जो फिरौन की बेटी का
बेटी कहलाने से इनकार किया और उस अच्छे सुख विलास के जीवन को इनकार करके प्रभु के जनता को सेवा करने के लिए दुख उठाया है। यही चीज सब नेहमिया का जीवन में देख रहे हैं। जब उसको पता चला गया नेहमिया का पहला ध्यान देख रहे हैं तो उसके पास खबर आ गया है। वो बधाई सर से बता रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा वो अच्छे ले लो, बंदुभाई से छुप कर उस पांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहर बना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। तो फाटक जला हुआ है और शहर बना टूटी हुई है, मतलब ऐसे एक शहर बन गए कि कोई भी आदमी आ सकते हैं जा सकते हैं, किसी के लिए भी खुला जगह बन गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन बच्चों, आपके व्यक्तिगत जीवन और आपके पारिवारिक जीवन में एक शहर बनाने की जरूरी है, एक सीमा की जरूरी है, एक प्रोटेक्शन की जरूरी है। आज कितने परिवारों में शैतान के लिए जगह मिल चुका है, लोगों को बीमारी में, गरीबाइयों में, शराबों में शैतान डुबाते रहते हैं। तो आज समझ लीजिए हम भी अपना जीवन की परिवारों की शहर बनाव को पुनर्निर्माण करना जरूरी है। भजन संहिता 18 वचन में, 91:18 वचन में, भजन संहिता 91:18 वचन में दाऊद अपने मन मिलाव की प्रार्थना कर रहा है, पश्चाताप की प्रार्थना उसमें आखिरी में 18 वचन में हम पढ़ रहे हैं। प्रसन्न होकर सिय्योन की बड़ाई कर, यरूशलेम की शहर बना को बना, मतलब वो समझ रहा है उनके व्यक्तिगत जीवन में शैतान प्रवेश हो गया है, उसको पापों में गिरा दिया है, विचार में अत्याचार में। तो वो समझ रहा है कि उसका शहर बना फूट गया था, उसके कारण शैतान उसका जीवन को नाश किया है। प्रभु का कृपा से उसका जीवन वापस बन गया है, शहर बना भी बन गया है। तो आज हम नेहमिया की पुस्तक से हम वही देखने जा रहे हैं। तो नेहमिया ने क्या किया, वहाँ पढ़ रहे ये बातें सुनने में मैं बैठ कर रोने लगा, कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के समूह को उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। देखिए जब हमारे जीवन में कहीं प्रॉब्लम है, शैतान की हमला है, कहीं मौका शत्रु लोगों को मिल रहा है हमें निंदा करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, तो अपने जगह पर रहते हैं। यहाँ लिख रहे हैं अपने जगह पर अपने प्रांत में रहते हैं, लेकिन दुर्दशा में हम लोग पड़े हुए निंदा को सहन कर रहे हैं। शायद आप अपने विश्वास से तो वापस गया नहीं, आप अपने विश्वास में आ गए हैं, लेकिन आपका जीवन आज ऐसे परिस्थिति में होता तो भी परमेश्वर आपके लिए शहर पना को बनाना चाहते हैं, जैसे उसका शुरुआत प्रार्थना से होती है। अपनी हालत को देखते रोते रहेंगे, भूतकाल को सोचते रहेंगे, अपना लिए कोई उपाय नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा पुकारने से परमेश्वर जरूर एक राह निकालेगा। तो नेहमिया का जीवन के बारे में काफ़ी सारे बात यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो जो मेन बात है उसको यहाँ हम देखना जा रहे हैं, तो वही हम सीखना जा रहे हैं, सीखना चाहते हैं। जैसे आज हमारे जीवन में हम इस काम को कैसे कर पाएंगे, जैसे नेहमिया ने करके दिखाया, परमेश्वर के बुलावट आया और ज़रूर उसके लिए उसने प्रार्थना किया, अपने मन में रखा और प्रार्थना करते हुए
एक एक कदम आगे रहा। तो यहाँ लिख रहे हैं, परंतु यदि वो प्रार्थना में प्रभु को कह रहे हैं मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाओं को मानो, उन पर चलो, तो चाहे तुम से निकाले हुए वो आकाश की चोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। तो देखो, ये परमेश्वर की स्वभाव है हमेशा हमें वापस आने के लिए मौका देने वाले हैं। नहीं ना, उस परमेश्वर के उस स्वभाव को, उनका प्रेम को मन में रखते हुए प्रार्थना करें। कह रहे हैं प्रभु, जो आपने वायदा किया है आपके लोग कितने भी दूर में चला जाए, आकाश के चोर तक भी चले जाएं, तो भी आप उनको इकट्ठा करके उनके स्थान में पहुंचा सकते हैं जिसका आपने दिया है निवास होने के लिए, आप रहने के लिए बनाए हैं। तो यही बातों को याद रखते हुए प्रार्थना करना है हमारा जीवन में, अगर हमको वापस पुनर्निर्माण करना है परिवार को, शहर बना को, प्रोटेक्शन को आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आप जिस इलाके में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लिए, और जिस गाँव में, नगर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और यहाँ पर भारत बता रहे हैं, अभी भी तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तुमने अपनी बड़ी सामर्थ्य से बलवंत के द्वारा छुड़ा लिया है। और ये भी बता रहे हैं प्रभु, हम आपके लोग हैं, आपने हमें छुड़ा कर लेकर आए हैं। कितने भी प्रभु के बच्चे लोग, आप समझ लेना, आज आपका जीवन में अगर हालत खराब है, दुर्दशा है, फिर भी आप एक चीज याद रखो, परमेश्वर बलवान है। आपके पुराने जमाने में बलवंत हाथों से आपको छुड़ा कर लेकर आया, वही परमेश्वर आज भी आपको छुड़ा सकते हैं। वही मेहमत तो प्रार्थना में हम देख रहे हैं, उसने दो चीज़ को देख रहा है, एक तो परमेश्वर के वायदा को देख रहा है, परमेश्वर का पुराना जमाने के अद्भुत काम को याद करके वो विश्वास की प्रार्थना कर रहा है। और ग्यारहवा वचन में प्रभु बता रहे हैं, प्रभु ये विनती है तू अपने दास की प्रार्थना पर, अपनी उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम को पाए मानना चाहते हैं, आन लगा और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पिया होता, पर बता रहे उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मनुष्य के दया भी परमेश्वर की प्रार्थना से मिलती है। बोलते हैं हम आपका नाम का भाई मानना चाहते हैं, वो अपना परफेक्शन की दावा नहीं कर रहे, क्लेम नहीं कर रहे, प्रभु मैं परफेक्ट हूँ ये नहीं कर, प्रभु हम आपके लिए सिंसियर है, आपका बात मानना चाहते हैं। आज भी परफेक्शन को हम देखने जाएंगे, हमारा भी कोई भी परफेक्ट नहीं, लेकिन हम आज हम प्रभु का भाई मानना चाहते हैं, सिंसियरली हम प्रभु के पास मन देने से परमेश्वर का उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। तो राजा के पास गया, राजा अर्थशास्त्र कहता है तुम क्यों दुखे मुँह से रहते हो, या अपना मुँह को दुखों को छुपाना चाहते थे, क्योंकि तो राजा के सामने में कोई भी दुखित नहीं रह सकते, लेकिन कैसे भी छुपाना चाहता था, राजा ने देख लिया। राजा ने पूछा तो तुम क्यों, क्या मांगता है, तुम क्यों उदास हो, तुम्हारा मुँह क्यों उठ रहा है, ऐसा करके पूछने लगा। राजा की तरफ से अच्छे बातें आने लगे, तुरंत उसने राजा के भरोसा में बिल्कुल अपना को निर्भर नहीं किया। यहाँ पर गौर या चार वचन में देख रहे हैं, राजा ने मुझसे पूछा कि तू क्यों मांगता है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, देखो सामने राजा है, आज हमारा सामने राजा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा मनो में राजाओं का राजा को हमें देखना चाहिए,
जैसे नहमिया ने किया, नहमिया ने किया, राजा अच्छा से बात कर रहा था, फिर उसके मन राजा होकर राजा के ऊपर लग गया है और परमेश्वर की हाथ उसके ऊपर, राजा ने उसकी जो भी मांग रहा था सब कुछ उसने दे दिया। रास्ता में जो जो देश में गुजर कर जाएंगे उस देश के अधिपति लोगों के लिए उसने चिट्ठियाँ भी दी हैं और जंगल के रखने वाले आसाब के लिए भी जो चिट्ठी मिला है इनके लिए भवन बनाने के लिए, वहाँ पर चारपना को पूर्ण करने के लिए, घर के लिए जो जो लकड़ी की जरूरी है सबको मिलने के लिए भी कृपा दृष्टि हुई। परमेश्वर ने परमेश्वर की कृपा में मिलने से मनुष्य के अंगों में भी हमें दया मिल जाता है। प्रार्थना को उत्तर पाने के लिए प्रतीक्षा करिए, यजपथ करिए, विश्वास कीजिए। जरूर हम सोचेंगे भाई अपने पड़ोस है ऑफिसर तो बेकार है, लेकिन उससे भी परमेश्वर ला सकते हैं। चट्टान से पानी लाने वाले परमेश्वर राजा लोगों की आंखों से दया दिखाने वाले हैं। जब उसके प्रार्थना उत्तर मिल गया वो वहां पर गया है, हम देख रहे हैं जाकर के वहां के हालत को, चुपचाप जाकर के देख रहे हैं, सबको जाकर के हल्ला मचाया नहीं, किसी से जाकर डिस्कस किया नहीं। कभी कभी हम परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हमारे लिए एक स्ट्रैटेजी, एक उपाय की, एक योजना की जरूरी है। जल्दीबाजी में कुछ भी हम नहीं कर सकते, सबके साथ हम कुछ बातों को डिस्कस नहीं कर सकते। यही हम नियम जाकर ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, ज्ञान उसने चुपके से कुछ लोगों को लेकर गए और जा करके उसको पूरा जाके देखा शहर अपना की क्या हाल है और अपने लोगों के साथ जा करके देखने लगा और उसने एक अच्छा एक वाक्य बताया अपने लोगों को इकट्ठा करके। कहा हम पढ़ते नहीं, मैं कदो अध्याय में 17 वचन में, आज मैं पूरी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। तो नहमिया का जो वाक्य है स्टेटमेंट से, उसमें से हमें आज भी चुनौती मिल रहा है। तो कह रहे हैं चलो आओ हम यरूशलेम के शहरपनाह को बनाएंगे। हालेलुया, आज हमारा मकसद है, हमारा प्रार्थना प्रभु जी ऐसा दाऊद ने प्रार्थना किया भजन संहिता 91 में, जैसे हमारा प्रार्थना है यरूशलेम की शहरपनाह बनाया जाए और मसीह के परिवार सुरक्षित हो जाए। कोई भी परिवार में शैतान की हमला ना हो जाए, कोई भी बाहर भागने वाले ना रहे, कोई भी दुश्मन अंदर जाने वाले ना रहे। तो नहमिया की किताब 2 अध्याय में 17 वचन में इस बात को हम देख रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा तुम तो आप देखते हो कि हम कैसे दुर्दशा में है। तो अपने लोगों से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारे नाम दराई न रहे। बस कह रहे हैं बस हो गया भाई, काफी हो गया, शैतान की निंदा को, शैतान के हमला को कितना तक हम सहन सकते, बस बस करो। यही आज हमारा अंदर एक लगन होनी चाहिए, बस करो, आगे नहीं हो पाएंगे, आगे हम शैतान के हमला में, निंदा में, श्राप में, बीमारी में, बंधन में नहीं रहेंगे। हमें शैतान को जगह नहीं देंगे, हमारे शहर बना को हमें बनाना है। आज मसीह में मेरे भाई बहन बच्चों आप निर्णय लेना, आज विश्वास करना, परमेश्वर मदद करेंगे
हमारा मन में वो पाठ आएगा तभी वो काम में आएगा, मेरे परिवार के लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए। जहाँ पर भी शैतान को मौका मिल गया मेरे जीवन को नाश करने के लिए, हमला करने के लिए, उस शहरपना को, टूटा हुआ जगह को मैं वापस बनाऊंगा, उस फाटक को, जला हुआ फाटक को पुनर्निर्माण करूंगा। और विश्वास कीजिए, तो यहाँ पर जनता का उत्तर क्या है, 18 वचन में देख रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। देखिए सब लोग साथ दे रहे हैं। आज मसीह में बच्चे लोग यहाँ पर भी प्रभु के दास लोग हैं, परिवार के नेतृत्व में रहने वाले लोग हैं, जो लोगों को परमेश्वर दर्शन दे रहे हैं बनाने के लिए, साथ देने वाले लोगों के लिए जरूरी है, ऐसा कहने वाले की जरूरी है। चलिए हम भी कमर बांध कर बनाने लगेंगे। तो यहाँ लिख रहे, उन्होंने इस बड़े काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। हियाव बांधना परिस्थिति को देखते हुए, अरे टूटा वो टूटा, उसको वर्णन करना। काफी लोग वर्णन करने में उत्साह रहते हैं, यार ये टूट गया वो टूटा है, लेकिन बनाने वाले के लिए आज परमेश्वर ताक रहे हैं, बुला रहे हैं, खोज रहे हैं, उसके बारे में क्रिटिसाइज करने वाले नहीं। बनाने वाले की जरूरी है। आज कलीसिया को हमें बनाना है। यीशु ने कहा मेरे कलीसिया को मैं बनाऊंगा, अगर पाठक उस पर प्रबल नहीं होगी। लेकिन बनाया गया कितनी कलीसिया में, जब शहरपना टूट गया, शैतान को जगह मिल गई, शैतान गलत उपदेश लाया, लोगों का अंदर ठंडापन को लाया, अंदर अंदर ही लोगों को बैठा दिया, तो आज हम शैतान की योजना से हम अनजान नहीं। हमें समझना चाहिए हम शैतान की अनजान योजना को हराना। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, जब इसने बनाने के लिए बातें किया, शुरू किया, तुरंत ये सुनकर ओरोनी, संबलत और तोबिया नाम कर्मचारी जो अमोनी, क्या कह रहे हैं देखिए, और गेशेम नाम एक अरबी हमें ट्रक्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, तुम क्या कम करते हो। आज हम परमेश्वर के लिए काम करने प्लानिंग करते ही शैतान गुस्सा हो जाता है, लोगों को उसका देता है, लोग हमें टट्टा में उड़ाएंगे, बोलेंगे तुम क्या कर लोगे, तुम लोग क्या कर रहे हो। हमको तुच्छ गिनने वाले लोगों के सामने परमेश्वर हमें आदर मान करेगा। देखिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, तुम राजा के विरोध में बलवा करोगे, ऐसा ऐसा करके वो कर रहा था। तो हम क्या करना है, अपना फोकस को छोड़ना नहीं, प्रार्थना को छोड़ना नहीं। यहाँ लिख रहे हैं, तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में शहरपना न तो कोई बाग, न हक, न स्मारक, उन लोगों के कोई काम नहीं, शैतान पे कोई हाथ नहीं रहेगा, शैतान की कोई मदद नहीं चाहिए, शैतानी लोगों की बात वहां पर नहीं लगेगी। हम लोग करेंगे विश्वास की वचनों से शैतान को हराना, परमेश्वर हमें सफल कराएंगे। आज मेरे भाई बहन, प्रार्थना को छोड़ना नहीं, प्रार्थना करते रहो। अपना जो शुरुआत में शैतान चाहता है, जैसे हम देखते हैं जो छोटा सा फूल आता है, छोटा सा बर्ड बोलते हैं, उसी में शैतान उसको उखाड़ देना चाहते हैं, निपिट द बर्ड शुरुआत में। लेकिन हम प्रभु का हिम्मत बांधना है, प्रार्थना को छोड़ना नहीं। हम देख रहे हैं नेहमिया ने कैसे कैसे हिम्मत नहीं हराया,
यह में कसात के लोग भी सहमत दिए। आज भी कलिसिया के काम भी हो, पारिवारिक काम भी हो, केवल एकदम लीडर के ऊपर हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते। सब लोगों का एक एक जिम्मेवारी को निभाना, कोई भी कलिसिया हो, कोई भी संस्था हो, सब लोग जब कुछ भी होता है सोचेंगे लीडर का ही प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम। जरूर लीडर्स का जिम्मेदारी है, लेकिन सबका एक उसमें भाग होनी चाहिए। अगर आप तीसरा अध्याय में पढ़ोगे, वहाँ पर काफ़ी लोगों की हाथों को वहाँ पर लगाते हुए हम देख रहे हैं। सब लोग अपने हाथ काम पे लगा रहे हैं, शुरू से लेकर कह रहे हैं महायाजक। वह मैं तीसरा अध्याय में पहला वचन में लिख रहे हैं, तब एलियाशिब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर बेड़ फाटक को बनाया। इसमें अलग अलग फाटक है, बेड़ फाटक, घोड़ा फाटक, ऐसे से अलग अलग फाटक है बनाना पड़ता है। तो यहाँ लिख रहे महायाजक भी अपना काम में हाथ लगाया है। और अब 28 वचन में पढ़ोगे, वहाँ पर लिख रहा है, फिर घेटा फाटक के ऊपर याजकों ने अपने अपने घर के सामने मरम्मत किया। देखो अपने अपने घर के सामने, इतनी बड़ी शहरपना, लोग अपने अपने घर के सामने करते रहेंगे। आज भी मेरे भाई बहन अपने अपने इलाका में, अपने अपने क्षेत्र में हम परमेश्वर का शहरपना को बनाएंगे, परमेश्वर की मंदिर को निर्माण करेंगे, फाटकों को बनाएंगे, प्रभु का काम हो जाता है। सब लोग हाथ लगाया, वहाँ लिख रहा है जो सिलाई करने वाले और कारपेंटरी का काम करने वाले, दुकानदार, सब लोग मिस्टर मिशन का काम कर रहे हैं। और साथ इतना भी नहीं, नेहमिया भी अपना हाथ लगा रहे हैं। अपने बारे में मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं राजा का दाखरस पिलाने वाले बड़े पद वाला ऐसा सोच नहीं रहा। अपना फील्ड में उतरते हुए वहाँ पर काम कर रहे हैं, बड़े लोग निंदा कर रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं। जब आधा तक हो गया, शैतान और भी गुस्सा हो जा रहा है। शुरुआत में मना करने के लिए कोशिश करता है, बीच में अगर काम आगे बढ़ गया तो भी शैतान को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोगों ने शहरपना को बनाया, सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, आधा काम तो हो चुका है, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा, लोगों का मन लगा रहा। देखो लोगों की मन होने से मार्ग मिलता, ताकत मिलता। जो लोग बोलते थे हमसे नहीं हो पाए, वो भी हाथ लगाने लगते हैं। यही चीज है परमेश्वर के काम में जरूरी, मन लगाने वाले की जरूरी। आज हमारा देश के लिए, हमारा शहर के लिए, हमारे परिवारों के लिए हम शहरपना, प्रार्थना की शहरपना, वचन की शहरपना, आत्मा की शहरपना बनाएंगे। शैतान के हमला से हम बच जाएंगे। जो भी वे आ रहा है, बोल रहे हैं, लहर आने वाला है, उसका हम रोकाएंगे। जरूर एक शहरपना बनाएंगे। जरूर हम एक इम्पॉर्टेंट समय में हम आ गए, इतिहास में बहुत कठिन परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, लेकिन हम चुपचाप रह नहीं सकते। अपने एक आराम की जिंदगी में, अपना रिटायरमेंट हो गया, मैं आराम से रहूंगा करके सोच नहीं सकते। वहां लिख रहे हैं, वो लोग ने क्या बोल रहे हैं, देखिए ये निर्बल यहूदी क्या 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 चाहते हैं, क्या वे काम अपने बल से कर देंगे। यही शैतान का टैक्टिक्स है, डराने का, आपको निराश कराने वाले बातें बोलेंगे। क्या वे अपने स्थान दृढ़ करेंगे, क्या वे उसको हाजिर कर देंगे सब काम,
मिट्टा डालेंगे, क्या वह मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? बोलते ऐसे गिरे हुए पत्थरों के लोग कैसे बना देंगे? और ये बोल रहे हैं ये तो क्या है भाई, कुछ नहीं है, टूट जाएगा जो कुछ बना रहे हैं। यदि कोई लोमड़ी भी उस पर जाएगा वो तो टूट कर गिरेगा, कैसे कैसे बातों को वो तो भी आप बता रहे हैं। हमोनी तो भी हमोनेस मोहबैस, ये लोग तो प्रभु का समूह में आना ही नहीं, ये लोग श्राप दे रहे हैं। श्रापित लोग कभी कभी हमें श्राप देने लगते हैं, यही यहाँ पर हम देख रहे हैं। श्रापित हुआ तो भी आ जो है वहाँ पर नेता बनने के लिए कोशिश कर रहा है, लोगों को हाथों को ढीला करने के लिए, मन को गड़बड़ी डालने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये सभी ने एक मन से गोष्ठी किया, गोष्ठी बनाकर वो लोग आ रहे हैं, यरूशलेम से लड़ने के लिए आए, गड़बड़ी डालने के लिए आए। लेकिन नेहमिया ने हिम्मत नहीं हारा, नेहमिया ने क्या किया, लोगों को उत्साहित किया, डरना नहीं, इनमें शत्रु डरा रहे थे, हम उनके बीच में जाएंगे, घात करके उनका काम को बंद कर देंगे, मार डालेंगे, को पता चलेगा हम लोग कौन होते हैं, उनको दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे डरा रहे थे। वो सुनते हुए यहूदी लोग डर गए, कहते हैं 10 बार वो आकर हमसे बातें करे, कभी कभी शैतान टोकते रहता है 10 बार, ऐसा करके वो लोग बता रहे थे। यह मैंने क्या किया, सबको उसने हथियार पहना दिया, लेकिन मां पढ़ रहे हैं, इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्चियां और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया, सबको बैठा दिया। आज मसीह भाई बहन सब लोग अपने आत्मिक हथियार को पहनना जरूरी है, सब लोग अपना हथियार पहन कर तैयार हो गए, शत्रु हमला करने के लिए प्लानिंग बना रहा है, दड़ वेव डालने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन विश्वास की ढाल पकड़ कर ऐसे ऐसे डराने वाले भविष्यवाणी को, मीडिया के रिपोर्ट को हम उसको बुझाना है, उसके अग्नि बाणों को बुझाना है। लोग तैयार हो गए, नेहमिया क्या बोल रहे हैं देखिए, नेहमिया लोगों को हिम्मत दे रहे हैं। 4:14, तब मैं देख कर उठा और रईसों और हकीमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। आज डर से शैतान लोगों को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन डर को हम जगह नहीं देना। नेहमिया हम पर कह रहे हैं मत डरो, प्रभु जो महान और भाई हो गया है उसी को स्मरण करो, एक महान परमेश्वर को याद रखो, शत्रु के सामर्थ्य से बड़ा है। ये क्यों होना, 4:4 में पढ़ रहे हैं तुम्हारे में रहने वाले परमेश्वर दुनिया में रहने वाले शैतान से बहुत बड़ा है, और लिख रहे हैं उसको स्मरण करो, अपने भाइयों अपने बंदियों रिश्तेदारों के लिए गर्व अपने कुटुंबियों के लिए युद्ध करना। आज हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, लोगों के विरोध में नहीं, लेकिन अपना कुटुंबी लोगों को, अपना परिवार वालों को, कलिसिया वालों को याद रखना है, उनके लिए हम प्रार्थना की लड़ाई, सेवा की लड़ाई हमें करना चाहिए। दुनिया में खतरनाक परिस्थिति को हम देख रहे हैं, लेकिन हम हिम्मत ना हारें, या न छोड़ें, डर को जगह न दें। शैतान डराना चाहते हैं, शैतान रोकना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं। भविष्य 6 में हम पढ़ रहे हैं प्रभु में उसके सामर्थ्य में बलवान हो जाओ,
आज निर्बल रहने के लिए हमारे लिए कोई चांस नहीं है। कोई भी मसीह लोग आज निर्बलता में रहने का ठीक नहीं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं, हमारे लिए खतरा। आप देखोगे जब युद्ध के मैदान में जब विरोधी लड़ने आएगा, हम हथियार बांध के बैठने बगैर रहेंगे, हम शिकार बन जाएंगे, हम गिर जाएंगे। लेकिन आज मेरे भाई बहन डरना नहीं, बैठना नहीं, मत नहीं हारना, हमें लड़ना है। लड़ने के लिए समय है। शारीरिक लड़ाई नहीं, हमारा युद्ध आत्मिक लड़ाई है। ये पौलुस लिख रहे हैं इसमें, इसलिए आत्मिक हथियारों को विश्वास की ढाल, धर्मता की झिलम, सच्चाई से कमर कसकर बांधो। आत्मिक हथियार ले लो, विश्वास की ढाल पकड़ो और परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार ले लो, जूते पहन लो, झिलम पहन लो, उधार की टोपी पहन लो। ये सब पहनाना चाहते हैं आज परमेश्वर हर एक विश्वासी। आप ये नहीं बोल सकते मुझे मालूम नहीं, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो आम विश्वासी हूँ। लेकिन आज कोई भी आम विश्वासी नहीं रहेगा, सब लोग मजबूत विश्वासी रहेगा, सब लोग शैतान के सामने लड़ने वाले रहेगा, कोई भी चुपचाप बैठने वाले नहीं रहेगा। हमारे परिवार वालों के, हमारे कलीसिया के परमेश्वर एक जिम्मेदारी दी है, हमारे देश को हमें बचाना, हमारे शहर को बचाना है, हमारे लोगों को बचाना, हमारा रिश्तेदार लोगों को बचाना है। वो लोगों को मालूम नहीं, वो लोग शैतान की झूठों को मानकर डर के आधीन में हो जाते हैं, वो लोग डर को मुकाबला नहीं कर पा रहे, उनके सामने हिम्मत नहीं है, उनको वचन नहीं है। लेकिन आज हमारे पास हथियार है, आज हमारे पास वचन है, आज हम उनके लिए भी हम लड़ना चाहिए। और आगे हम देख रहे हैं जब लोगों को हिम्मत दिया, लोगों को आगे बढ़ाया, काम आगे बढ़ते गया, अच्छा से काम आगे बढ़ रहा करके कभी भी हम रिलैक्स नहीं हो सके, कभी भी हम आराम नहीं कर पाए। शैतान एक नहीं तो दूसरा जुगाड़ लगाएगा, दूसरा जुगाड़ लगाता है, एक तो डराने के लिए कोशिश करेगा, युद्ध करने के लिए कोशिश करेगा, पहले डिस्करेजिंग करने के लिए, शब्दों से मारने के लिए कोशिश करेगा। अगर वो सब नहीं चलता है तो आखिर में लोगों को कॉम्प्रोमाइज समझौता, ये भी काफी लोगों के जीवन में शैतान का एक योजना है। लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, काफी युद्ध किया हुआ लोग भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जिसे हम लोग पढ़ा था महायाजक के बारे में, जिसका नाम पहले आता है तीसरा अध्याय में, लेकिन आप उसके बारे में देखोगे आगे वो जा करके दुश्मन लोगों के साथ दोस्ती बना रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये हम सावधान रहना है। एक जगह में विजय पा लिए, हर इलाका में सावधान रहना पड़ेगा। देखिए हम नेहमिया 6 अध्याय में देख सकते हैं, तब सनबल्लत और गेशम ने मेरे पास जो कहला भेजा कि आ हम कोनों के मैदान में किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। बोलते चलो मिलते हैं भाई, ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे चाय पीते हैं, बैठ के गप्पे मारते हैं, कुछ नहीं हम अभी कुछ हानि नहीं करेंगे, आपको कुछ करेंगे नहीं, चलो दोस्ती हो जाते हैं, क्यों हम झगड़ना चाहिए भाई, आओ चलो। ऐसा भी शैतान वेश पहन के आएगा, यही संबलत कर रहा। नेहमिया के बारे में हम देख सकते हैं, नेहमिया को पवित्र आत्मा ने ज्ञान दिया, बोलते परंतु वे मेरे हानि करने की इच्छा करते थे, यही पवित्र आत्मा उसको दिखाया समझाया, इसलिए जहां पर बुला रहे थे वहां पर गया नहीं। परंतु मैंने उनके पास तो उसे कहला भेजा
कि मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वो काम क्यों बंद करूँ। यही आज हमारे पास होना चाहिए, बड़े काम में हम लगे हुए, शैतान की छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस अगर वो हमारा काम को नहीं रोक पा रहे हैं, हमको घुमाना चाहते हैं, दूसरे काम छोटे मोटे कामों में लगाकर टाइम को, हमारे एनर्जी को, हमारे पैसे को, हमारा नाम को खराब करना चाहते हैं। लेकिन यही जो शब्द है, मेरे जीवन में काफ़ी बार मैं इस शब्द को याद रखता हूँ, आपको भी मैं समझा रहा हूँ, जो नेहमिया का शब्द है, मैं तो आने सकता, आई कैन नॉट कम डाउन, मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ, नीचे नहीं आ सकता। आज मेरे भाई बहन बच्चे मैं भारी काम में लगा हूँ, सुसमाचार का काम सबसे महत्वपूर्ण काम है, कलिसिया को निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, लोगों को अच्छे हरी हरी चराई में ले जाना, अच्छे सुखदायी जल से पिलाना, लोगों को प्रभु में मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण काम। इस काम को छोड़कर शैतान की लालच में ना पड़े, शैतान काफ़ी सारे झूठ बोल करके हमें गिराने के लिए कोशिश करे। प्रभु के दास बिली ग्राम के बारे में सुना था मैंने, जब देश में प्रभु का सुसमाचार के प्रचार का काम अच्छी तरह कर रहा था, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया, मीडिया वाले जाके पूछ रहे साहब आप राष्ट्रपति पद के लिए आप आना चाहिए, उसमें लड़ना चाहिए, आप जरूर जीत जाओगे। लीगरम ने क्या जवाब दिया, यही जवाब दिया नेहमिया के जवाब, आज हमारा भी वही जवाब, आई एम डूइंग ए ग्रेट जॉब, मैं भारी काम में बड़ा काम में लगा हुआ, नीचे नहीं आ सकता, मैं सुसमाचार का प्रचारक हूँ, उस बड़े काम को छोड़कर छोटा राष्ट्रपति नहीं मैं नहीं बनना चाहता। ये आज आप समझ लीजिए, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, भले कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जैसे महायाजक ने कर लिया, उसके द्वारा कितना नुकसान होते हैं आगे हम देख सकते हैं, लेकिन इसने कह दिया मैं नहीं आ सकता, बात नहीं कर सकता, बात भी नहीं करना। कभी कभी हम शैतानी लोगों से बात करके फिर गिरावट में चला जाते, यही तो शुरुआत में ये दिन वाटिका में हो गया, जब हवा ने बात करने लगा शैतान बरमा दिया। तो यही चीज है, पवित्र आत्मा में वार्निंग देता, और इतना भी नहीं, देखो झूठे बहुत से वक्ता भी होते हैं, यहाँ 6:10 से देख सकते हैं, शमाय के घर में गया, बोलते शमाया एक नाम की आदमी है उसके घर पे, जो दलाया का पुत्र और हेतबेल का होता था, वह तो बंद घर में था, उसने कहा हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में बैठ करें, मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। ये भी देखे, एक जान पहचान आदमी है, भले भविष्य दफ्ता भी हो सकते, झूठा लोग है, इसको डरा रहा, तुमको बात करने आ रहे हैं इसलिए छुप जाना, भाग जाना, मंदिर में बैठ जाते हैं, ऐसा करके डरा रहे। लेकिन यहां लिख रहे, परंतु मैंने कहा क्या मुझे ऐसा मनुष्य भागे, यही आज हमारे पास एक हिम्मत होना चाहिए, कैन अ मैन लाइक मी रन, मेरे जैसे आदमी क्या भागेगा, और तू जैसे कौन है अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे, मैं नहीं जाने का, मैं नहीं भागूंगा,
मैं ही नहीं चुप जाऊंगा। यही आज मेरे भाई बहन बच्चे हिम्मत करके उसने अपने काम को पूरा किया। भले बड़े बड़े लोग, कुछ लोग आगे हम देख रहे 12 बच्चे में बड़े बड़े लोग, वो लोग दुश्मन के साथ समझौता कर लिया, फिर भी इसने मना कर दिया। प्रभु के बच्चे लोगों के साथ मिलकर इसरा का मदद भी मिल गया, इसरा भी लोगों को वचन सिखाने लगा, बोला कि प्रभु में आनंदित रहो, ये तुम्हारा बल है। काम अच्छी तरह हो गया, 52 दिन में 52 डेज में बड़ा काम को परमेश्वर कर दिखाया। ये सब बातों को याद रखना, ये 3 बातों को याद रखना। मैं नीचे नहीं आ सकता, मैं जाके छिप नहीं सकता, और हम शार्पणा को बना ही देंगे, हम शार्पणा को बनाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, छुपेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। और ये प्रार्थना करेंगे, ये सारे उदाहरण हमारे सामने है, पुराने नियम के वक्त के द्वारा परमेश्वर ने काम कर दिखाया, आज भी हम करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद देते, आज जो भी हमारे सामने चुनौतियाँ आ रही हैं, शैतान के हमला हो रहा है हमारे देश के विरोध, कलिसिया के विरोध में, परिवारों के विरोध में, व्यक्तिगत जीवन के विरोध में, शार्पणा टूटा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से शार्पणा को वापस बनाएंगे। प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे निंदा को दूर करेंगे, हमारा दुर्दशा को बदलेंगे, शैतान के द्वारा जो हानि हुआ वापस पुनर्निर्माण करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए, मेरे भाई बहन बच्चे लोग उठकर शार्पणा को बनाए, नीचे न आ जाए, कहीं छुप कर ना रहे, भाग ना जाए, ऐसा नहीं मैंने हिम्मत दिखाए, काम कर कर दिखाए, हम लोग भी करके देखना है प्रभु जी, आपके महिमा को देखना है, मंदिर आपके महिमा से भरा हुआ देखना है, लोग आपसे शक्ति पा करके हथियार बांधकर हिम्मत से काम करना है, एक हाथ में हथियार, एक हाथ में मेहनत करने के लिए, हालेलुया, मिशन का काम करने के लिए आपने उनको सिखाया। आज भी हम प्रार्थना भी करते रहे, आगे भी बढ़ते रहे, हमारे को मदद कर, नेहमिया से बढ़कर आज हमारे अंदर यीशु मसीह को दिया, जो पवित्र आत्मा को दिया, हिम्मतवान जो आत्मा नेहमिया को हिम्मत दिया, वही आत्मा आज हमारे अंदर है, उस आत्मा के द्वारा हिम्मत बांध कर शहर बना, तुम बनाने वाले रहे, तोड़ने वाले न रहे, चुपके से रहने वाले न रहे, भागने वाले न रहे, नीचे उतर कर दुश्मन से टाइम पास करने वाले न रहे, समझौता ना करें, हिम्मत से हम काम को पूरा करें। आपके हाथों में समर्पण करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग हम सबके साथ हमेशा बना रहे।